गुड मॉर्निंग सेकेंड स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों, पान नंबर 48 निकालिए। पान नंबर 48 बच्चों, आज हम नया पाठ सीख रहे हैं, उसका नाम है एक का अभ्यास। पाठ नंबर 9, एक का अभ्यास। जैसे पिछले पाठ में हमने री का अभ्यास देखा था, वैसे ही आज हम नया पाठ सीख रहे हैं एक का अभ्यास। तो बच्चों, जैसे कि ए से तैयार होने वाले शब्द यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि एड़ी, ये हमारा पैर है और इसे क्या कहते हैं, एड़ी कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, एड़ी, इसे इंग्लिश में हील कहते हैं। ये एक, वन, टक टक विदाउट ब्लैंकिंग, एकता, यूनिटी। तो बच्चों, ये ए, ये ए, ये ए और ये, जैसे कि हम ए का अभ्यास कर रहे हैं, इसीलिए ए से तैयार होने वाले शब्द यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि एडी, एक, एकटक और एकता। समझ में आ गया? तो उसके बाद ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर, ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर, ऐसे देखो बच्चों, ये व्यंजन की मात्रा है, सॉरी, ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर ऐसे, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे क्या कहते हैं, ये एक है तो एक मात्रा, इसे क्या कहते हैं, एक मात्रा। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर, ये चिन्ह है ना, ऐसे इस तरह लगाई जाती है, इस तरह, देखो बच्चों। तो व्यंजन, व्यंजन कौन से है, क, ख, ग और घ, ऐसे कितने व्यंजन है, क से श्र तक है। तो ये व्यंजन के ऊपर, जैसे कि यहाँ ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये व्यंजन के ऊपर हमने क्या किया, ए की मात्रा लगाई। तो कैसे, क्या तैयार हुआ, कौन सा अक्षर तैयार हुआ, के, खे, गे, घे, क्योंकि ये एक मात्रा इसे कहते हैं, ठीक है। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर इस तरह लगाई जाती है, जैसे कि देखो ये श है, श व्यंजन में से, श, श प्लस ए की मात्रा शे, और ये चित्र देखकर कौन सा शब्द तैयार हुआ, शेर। स प्लस ए की मात्रा से, ये चित्र देखकर सेब, एप्पल। म प्लस ए की मात्रा इज इक्वल टू मे, ये मेज, ये क्या है, चित्र, तो कौन सा शब्द तैयार हुआ, मेज यानी टेबल। यहाँ देखो, क प्लस ए की मात्रा इज इक्वल टू के, ये केला, ये चित्र देखकर कौन सा शब्द तैयार हुआ, केला यानी बनाना। ख प्लस ए की मात्रा इज इक्वल टू खे, खेत, ये क्या है, खेत, इसे क्या कहते हैं, फार्म कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ देखो ये सारे व्यंजन है, श, स, म, क, ख, और ये मात्रा लगाने के बाद क्या हुआ, शे, से, मे, के, खे, तो इसे कौन से शब्द तैयार हुए, शेर, सेब, मेज, केला, खेत, ओके। यहाँ भी देखो बच्चों, यहाँ चित्र देख रहे हो, तो ये क्या है, जेब, ये क्या है, पेट, ये क्या है, बेल, ये क्या है, गणेश, ओके। तो जे, पेट, बेल, गणेश, जेब को इंग्लिश में पॉकेट कहते हैं, पेट को स्टमच कहते हैं, बेल को क्रीपर कहते हैं, गणेश को लॉर्ड गणेश कहते हैं। तो जैसे देखो, व्यंजन के ऊपर ए की मात्रा लगाने के बाद कौन सा तैयार हुआ शब्द, जेब। यहाँ एक एक मात्रा लगाई है, दिखाई दे रहे हैं आपको, तो जेब, पेट, बेल, गणेश, ओके।
इस वर्ष से बने वाक्य, इस वर्ष से बने वाक्य। आज एकता के साथ रमेश आएगा, केशव उसे लेने जाएगा। एकता चाचा के पास पढ़ेगी, रमेश नाना के घर पढ़ेगा। शेखर खेत से बेर लाया, चेतन रेखा के लिए रेशमी साड़ी लाया। तो सारे ये बच्चों देखो, ये स्वर से बने वाक्य यहाँ पर है के रमेश केशव उसे लेने के पढ़ेगी, रमेश के पढ़ेगा, शेखर खेत से बैर, चेतन रेखा के रेशमी। तो ये सारे एक ही मात्रा लगाकर आने वाले शब्द है। जैसे कि यहाँ देखो के रमेश केशव उसे लेने के पढ़ेगी रमेश के, तो ये सारे ये मात्रा के कौन सी है, एक ही मात्रा है और इसे क्या कहते हैं, एक मात्रा कहते हैं। तो ये एक मात्रा यहाँ दिखाई दे रही है आपको, एक मात्रा। तो बच्चों ये पाठ आपको पढ़ना है, मैं और एक बार पढ़ती हूँ। आज एकता के साथ रमेश आएगा, केशव उसे लेने जाएगा। एकता चाचा के पास पढ़ेगी, रमेश नाना के घर पढ़ेगा। शेखर खेत से बेर लाया, चेतन रेखा के लिए रेशमी साड़ी लाया। तो यहाँ पर हमारा पाठ यहाँ हो गया है। नेक्स्ट पेज यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, जैसे कि इसे क्या कहते हैं, एक मात्रा, इसे क्या कहते हैं, एक मात्रा। तो क से ह तक ये व्यंजन है, क से ह तक व्यंजन है। इन व्यंजनों को एक ही मात्रा लगाने के बाद, एक ही मात्रा लगाने के बाद कैसे अक्षर ये हो गए, के खे गे घे चे छे जे झे टे ठे डे ढे ने ते थे दे धे ने पे फे बे भे मे ये रे ले वे शे से हे। तो एक ही मात्रा लगाने के बाद ये आने वाले अक्षर यहाँ पर हमने देख लिए। तो वैसे ही बच्चों एक ही मात्रा से बने शब्द हम देखेंगे, एक ही मात्रा से बने शब्द देखेंगे। जैसे कि केला तेरह लेट खेल पेला वेश चेला बेल वेद जेब थेला हवेली डेरा मेला हथेली ठेला रेल सेठ। ओके तो बच्चों यहाँ पर अब हम देखेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में देखो बच्चों पहला प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न पहला चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स एंड नेम देम। ये चित्र देख रहे हो बच्चों, इन चित्रों के नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे कि जेब, शेर, सेब, बेल। ओके तो इसे इसके ये चित्र देखकर हमने इनके नाम लिखे हैं, जेब शेर सेब बेल, और ये एक ही मात्रा व्यंजन के ऊपर इस तरह लगाई जाती है। अब हम देखेंगे प्रश्न दूसरा, नीचे लिखे गए व्यंजनों में एक ही मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए, नीचे लिखे गए व्यंजनों में एक ही मात्रा लगाकर नए शब्द बनाना है। जैसे कि देखो ये क है, क को एक ही मात्रा लगाने के बाद कौन सा अक्षर तैयार हुआ, केला। त से
हमें यहाँ तो स ल ज ख दिए हैं, तो हम एक ही मात्रा लगाने के बाद अक्षर देखेंगे। त से तेरह, ते र ह, त से तेरह, क्योंकि त पे एक ही मात्रा लगाने के बाद कौन सा शब्द हुआ, तेरह। स से सेब, ल से लेट, ज से जेब, ख से खेत। ओके, प्रश्न तीसरा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, राइट द आंसर। आज एकता के साथ कौन आएगा, प्रश्न पहला, आज एकता के साथ कौन आएगा, आज एकता के साथ रमेश आएगा। एकता किसके पास पढ़ेगी, एकता चाचा के पास पढ़ेगी। प्रश्न तीसरा थोड़ा सा अलग है बच्चों, किस रमेश किसके पास पढ़ेगा, ऐसे प्रश्न होना चाहिए। रमेश किसके पास पढ़ेगा, रमेश नाना के घर पढ़ेगा। यहाँ फुल स्टॉप देना ज़रूरी है, जब हमारा वाक्य पूरा होता है तो फुल, ये फुल स्टॉप देना ज़रूरी है। शेखर खेत से क्या लाया, शेखर खेत से बेर लाया। चेतन रेखा के लिए क्या लाया, चेतन रेखा के लिए रेशमी साड़ी लाया। यहाँ फुल स्टॉप देना ज़रूरी है, हिंदी में ऐसे फुल स्टॉप देते हैं, इसे क्या कहते हैं, दंड कहते हैं। ओके, प्रश्न चौथा, अ वचन बदलिए, चेंज द नंबर। पहला है साड़ी, घोड़ा, केला और घर। साड़ी साड़ियाँ, घोड़ा घोड़े, केला केले, यहाँ करेक्ट है, ये रॉन्ग है, केले। घर घर, घर घर ही होता है, ऐसे घर घरे नहीं होता। हाँ, एक घर होता है, दो भी घर होते हैं, चार भी घर ही होते हैं। हाँ, आ अक्षरों को जोड़कर लिखिए, ज्वाइन द लेटर्स, अक्षरों को जोड़कर लिखिए। पहला है प प्लस ध प्लस ए की मात्रा प्लस ग प्लस आ की मात्रा, पढ़ेगा। यहाँ कौन सा शब्द आता है, पढ़ेगा। दो नंबर, र प्लस ए की मात्रा प्लस श प्लस म प्लस ई की मात्रा, रेशमी। कौन सा शब्द आता है, रेशमी। ज प्लस आ की मात्रा प्लस य प्लस ए की मात्रा प्लस ग प्लस ई की मात्रा, जाएगी। कौन सा शब्द आता है, जाएगी। इसके बाद प्रश्न पाँच, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आज एकता के साथ रमेश आएगा, यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है, एकता, मैंने यहाँ लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। दो नंबर, एकता चाचा के पास पढ़ेगी, यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है, चाचा। तीन नंबर, रमेश नाना के घर पढ़ेगा, यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है, रमेश। शेखर खेत से बेर लाया, यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है, शेखर। तो बच्चों, यहाँ हमारे पांच प्रश्न हो गए, पांचों प्रश्नों के उत्तर भी हमने यहाँ लिखे हैं, और हमने आज पाठ कौन सा सीखा, एका अभ्यास। तो आपको पाठ दो बार पढ़ना है, प्रश्नोत्तर नोटबुक में लिखना है। ओके, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं बच्चों, थैंक यू।